Hey guys, good morning, welcome back to my channel. कई दिन बाद मैंने आज वीडियो बनाई है और इसलिए बनाई है क्योंकि आज कुछ है स्पेशल. आज क्या स्पेशल है अनु बताएगा. आज हम कहीं जा रहे हैं इसलिए आज मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है. तो अब आज कहाँ जा रहे हैं? शिरडी. पहले ही डिस्क्लोज कर दिया ये तो इसने, पहले ही डिस्क्लोज कर दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं. तो आज का व्लॉग जो है मेरा इसी से रिलेटेड रहेगा. तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं स्कूल. एज यू कैन सी आनू भी रेडी हो गया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ और अपने स्कूल जाने के लिए, और आनू रेडी हो गया अपने स्कूल जाने के लिए. तो फिलहाल अभी हम वहाँ चलते हैं, उसके बाद आपको एक चीज़ हर एक चीज़ की अपडेट देंगे. फिलहाल मैं पहुंच गई हूँ स्कूल और अब स्कूल में मैं ज़रा करूँ काम, और विहान भी अपने स्कूल चला गया है तो करते हैं बाद में बात. मैम भी खड़ी है. तो गाइस विहान को हम स्कूल से लेके आ गए हैं और उसके बाद हम थोड़ा सा V2 में आ गए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने. दो चार जो छोटे मोटे सामान रह गए थे तो हमने सोचा पहले यहाँ से लेते हुए फिर घर चलते हैं. कम 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 चल आ जा. फाइनली वी आर रेडी टू गो. हमारे बैग जो है वो पैक हो गए हैं. ये छोटा सा हैंड बैग लिया है, ये इसमें सारा आनू का सामान है खाने पीने का, जो कि मैंने एक अलग बैग में फिल करती हूँ हमेशा. एंड इसमें आनू और मेरे कपड़े हैं. उसके पापा के कपड़े अलग ही है क्योंकि आनू और मेरे कपड़े से ये बैग भर गया है. और ये वाला मैं आपको बता ही चुकी हूँ खाने का आनू का, और ये नॉर्मली छोटे मोटे सामान जो वाइप्स वगैरह आनू के दो तीन चीज़ें जो रहती है. और आनू को थोड़ी देर मैंने सुला दिया था. आनू उठ गए हो आप? आनू को थोड़ी देर मैंने एक घंटे की या डेढ़ घंटे की नैप दे दी थी. और अभी हम चल रहे हैं साई मंदिर में जो कि हमारे घर के पास है, जिसमें मैं हर थर्सडे जाती हूँ. तो पहले उसमें हम होके आते हैं क्योंकि मुझे ये था मन में कि हाँ मैं शिरडी जाऊँगी तो उस साई मंदिर से होके ही जाऊँगी जिसमें मैं हर थर्सडे जाती हूँ. तो साई बाबा को ज़रा बोलने जा रही हूँ कि साई बाबा हम आपके घर पे आ रहे हैं तो हमसे मिलने के लिए रेडी रहना. सो मिलते हैं गाइस. देखो मम्मा आपकी वीडियो बना रही है. आगे आगे चलो, आगे चलो. और हम पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और अभी हम कर रहे हैं फुट ओवर ब्रिज को पास कर रहे हैं और अभी प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं. और नाना नानी वेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे ही. क्या हो रहा है, ये कैसे चल रहे हो? चलो पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं. और फिलहाल अभी है पूरा एक घंटा, तो अभी एक घंटे हमें वेट करना पड़ेगा. तो वेट ही करने का एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है. तो अभी हम कर रहे हैं वेट और जैसी ट्रेन आती है उसके बाद मैं आपको अपडेट टाइम में देती रहूँगी. व्हाइट ट्रेन मुंह में मत डाल यार. ये दी व्हिच कलर इज दिस ट्रेन? व्हाट इज दैट? फ्रेंड के साथ बैठो.
नीचे बैठो, पहले नीचे बैठो, नीचे बैठो। हेलो बोलो। तो गाइज ये है ताप्ती रिवर जो कि भुसावल स्टेशन के आसपास आपकी पड़ेगी, मध्य प्रदेश से स्टार्ट हो जाती है और भुसावल जो है पूरा इसके बैंक के ऊपर बना हुआ है। बहुत ही गहरी रिवर है ये। गाइज अभी हम कोपरगांव स्टेशन पे उतर चुके हैं और यहाँ से भी अभी जो हमारा होटल है वो कुछ दूरी पे है, मतलब हाफ एन आवर लगेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम जाके देख रहे हैं कि कोई ऑटो या टैक्सी कोई अवेलेबल है बाहर से कि नहीं। एंड यहाँ का मौसम भी बारिश वाला ही हो रखा है, लगता है बारिश हो चुकी है यहाँ पे पहले। और शाम के 5 बज रहे हैं, करेक्ट 5 बज रहे हैं यहाँ पे सारा। ये तो सारे ऑटो वाले ही हैं। तो गाइस स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ये पूरे सारे ऑटो वाले मिल जाएंगे जो कि आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा देंगे। तो गाइज अभी हम स्टेशन के बाहर जो है ऑटो के यहाँ पे स्टैंड में खड़े हैं, तो हमें शिरडी तक जाना है। तो यहाँ पे मुझे सबसे बेकार चीज़ ये लगी है कि ऑटो वाले जो है यहाँ पर हेड चलते हैं, पर हेड के अकॉर्डिंग ये जाएंगे तो 100 रुपीज़ पर हेड ये शिरडी तक का लेते हैं अगर आप शेयरिंग में जा रहे हो तो। और अगर आप पर्सनल कर रहे हो तो ये आपसे 500 से नीचे कभी नहीं मांगेंगे, मतलब 500 से नीचे तो आएंगे ही नहीं, 500-600 इतना मांग रहे हैं। बहुत करने के बाद हमने बोला 400 में चलो, तो 400 में भी ये नहीं है जाने के लिए राजी। तो 450 में हमारा लास्ट डन हुआ है, तब जाके यहाँ पे हमें 450 में छोड़ रहे हैं जो कि हम अपना पर्सनल ऑटो कर रहे हैं। बाकी ये चीज़ बड़ी बेकार लगी है कि ऑटो ही आप यहाँ से कर सकते हो, आपके पास एक ही ऑप्शन है और यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते हो। ओला उबर या कोई भी और अदर ऐप करोगे तो उसमें यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लोकेशन का एक्सेस नहीं दिखा रहा है कि इस लोकेशन से आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल सकती है। तो गाइस हमने अपने होटल में जो है वो चेक इन कर लिया है और अभी नहाना धोना कर लिया है, थोड़ा बहुत मुंह धो लिया है और उसके बाद अभी हम बाहर जा रहे हैं डिनर करने के लिए। और ये वाला जो होटल है वो हमारा सिर्फ आज के लिए था, और जो कल से हमारा जो होटल बुक हुआ है वो हुआ है जो साई संस्थान वाला है, वो बुक हुआ है। तो अगर आप उससे बुक करवाना चाहते हो तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगी, आप वो चेक कर सकते हो। अगर और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि अगर आप उसमें नॉन एसी रूम लेते हो तो वो आपका ज़्यादा दिन का हो सकता है, बट अगर आप उसमें एसी वाला रूम लोगे तो वो 2 दिन से ज़्यादा आपका नहीं होगा। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं बाहर डिनर वगैरह करने, उसके बाद आएंगे एंड कल सुबह दर्शन करेंगे। होप आप सभी को ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा और आगे का कंटिन्यू देखने के लिए मैं जो जो चीज़ दिखाऊंगी आपको ये वाला व्लॉग भी देखना पड़ेगा और नेक्स्ट व्लॉग का वेट भी करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।